देश का गौरव में इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाशदीप साबर, आप फिल्म निर्माता निर्देशक है, मुकेश त्यागी अभिनेता है और प्रदीप सरदाना फिल्म समीक्षक है। मुकेश त्यागी, मैं आरंभ आप ही से करना चाहूंगा, लक्ष्मी बॉम्ब अगर किसी फिल्म का नाम है तो उससे आपत्ति क्या और क्यों? देखिए गौरव, मैं सबसे बड़ा सिनेमेटिक लिबर्टीज और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा सपोर्टर, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी दिवाली जो कि 15 या 14 तारीख को मनाई जाएगी, जो कार्तिक के 15 मास में मनाई जाती है और बड़ा शुभ दिन होता है, उससे कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी बॉम्ब का जो बॉम्ब अक्षय कुमार जी की फिल्म ने जो छोड़ा है, मैं समझता हूँ कि वो जिस प्रकार का टाइटल उन्होंने दिया है उसको देख करके हिंदू भावनाओं को उसको प्रमोट करना बहुत स्वाभाविक है। लक्ष्मी और बॉम्ब, बॉम्ब के बारे में आप जानते हैं बहुत से लड़कों को बड़े डेरोगेटरी शब्द कहा जाता है, अरे तू बॉम्ब लग रही है। अब मैं भले ही कहता हूँ कि आप लिफाफे को देख के मजबूर नहीं पड़ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेलर की जो टाइटल है वो टाइटल बहुत ऑब्जेक्टिबल है, वो दो के जज्बातों के खिलाफ है और जिस प्रकार से दिवाली के आसमान को निर्मित किया जा रहा है, लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी और दिवाली का बहुत बड़ा आपस में एक संबंध है और इस प्रकार की उत्तेजक टाइटल देकर के हिंदू अगर उसके खिलाफ होगी, अगर उत्तेजना नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने की ये साजिश है या ठेस पहुंच रही है इस नाम से। आकाशदीप साबर, क्या कुछ सोच समझ के इस तरह के नाम दिए जाते हैं? लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी देवी माँ है, दीपावली के ही समय नहीं 365 दिन उनकी आराधना की जाती है, तो एक फिल्म में लक्ष्मी बॉम्ब नाम क्यों अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचे? देखिए, जहां तक मैं मेकर्स को जानता हूं और अक्षय को जानता हूं, कोई भी चीज किसी टेंशन से नहीं हुई है। अगर उस किरदार को यह नाम सूट होता है तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा या सेंसर बोर्ड बताएगी। और मैं मुकेश त्यागी से एक बात करना चाहता हूँ, अचानक वो उत्तेजित हो रहे हैं कि हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है, जबकि ये मोटिव इस फिल्म का कोई एंटी रिलीजन की फिल्म ही नहीं है, ये भूत की फिल्म है। बचपन से मैंने जब दिवाली मनाई है